स्टील के बर्तन ले लो, स्टील के बर्तन, स्टील की कढ़ाई, स्टील के कड़छे, स्टील के चम्मच और स्टील के घड़े ले लो भैया, स्टील के बर्तन ले लो बहन जी, स्टील के बर्तन। कहकर आवाज देते हुए एक व्यक्ति ठेले में स्टील के बर्तन बेच रहा था। उसका नाम चौहान था। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। बेटे का नाम था अमर। वो एक ढाबे में रसोई का काम करता था। ढाबे में वो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन कबाब और कई सारे व्यंजन पकाता था। वो सब खाकर लोग अमर की खूब तारीफ करते थे। ये बात ढाबे के मालिक परमेश को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि परमेश एक घमंडी, लालची और कमीना इंसान था। जब कभी चौहान ठेले को धकेलते हुए ढाबे के पास पहुंचता, तो अमर खुद ब खुद बाहर आकर अपने पिताजी को उस ठेले के पास ही बिरयानी लाकर देता था। ये देखकर परमेश जानबूझकर सबके सामने उनका अपमान करता था। परमेश, अरे क्यों भाई अमर, काम धाम सब छोड़कर अपने पिताजी के साथ बातें करने में लगे हुए हैं? कहीं बिरयानी में ज्यादा मटन के टुकड़े तो नहीं डालकर दे दिए हैं? मैं देखूं तो सही, दिखाओ। कहकर प्लेट को चेक करता था, तब अमर अपमानित महसूस करता था। अमर, ये क्या सेठ जी, वैसे भी मैं बिरयानी मुफ्त में तो देता नहीं, आप इस बिरयानी के पैसे मेरे तनख्वाह में से काट तो लेते हो ना, यूं सबके सामने बात करना ये ठीक बात नहीं है सेठ जी। मैं जितने टुकड़े ग्राहकों के थाली में डालता हूँ, उतने ही इस थाली में भी डाला है। मैंने ये प्लेट सबके लिए जैसे बनाता हूँ वैसे ही बनाया है। अगर ये सब किसी ने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे सेठ जी, जरा आप ही बताइए। ये मेरे पिताजी हैं, इसीलिए ठेले तक इनके लिए बिरयानी लेकर आया बस। तब परमेश, ठीक है ठीक है, यूँ जरा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बकवास की तो नौकरी से निकाल दूंगा, खबरदार। यूँ धमकाता था। एक दिन पिताजी फिर से ढाबे के पास अपने ठेले को धकेलते हुए आए। ये देखकर अमर बिरयानी लेकर पिताजी के ठेले के पास पहुंचा। अमर बिरयानी पिताजी को देने ही वाला था कि परमेश ने थाली को मारा, थाली उछलकर गिरा और सारी बिरयानी जमीन पर गिर गई। ये देखकर ढाबे में बैठे सब ग्राहक परेशान हो गए। तब अमर, क्या है सेठ जी, ये क्या किया आपने, क्या गलती हो गई मुझसे? परमेश, क्यों भाई, तुम्हारे पिताजी कोई राजा महाराजा है क्या कि तुम उनके पास जाकर बिरयानी परोसोगे हैं? और दूसरी बात, यहाँ खाता नहीं चलता कि आज खाया और बाद में तनख्वाह में से पैसे कटवा लिए, पहले पैसे भरो फिर बिरयानी ले जाओ। तब अमर, देखिए सेठ जी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, यूँ सबके सामने मेरा अपमान ना करें तो मेहरबानी होगी, ये आप ठीक नहीं कर रहे सेठ जी, यूँ हर रोज आपका घमंड बढ़ता जा रहा है, आप अपनी अकड़ मुझ पर ना दिखाएं तो अच्छा होगा सेठ जी। तब परमेश, अरे तू क्या मुझे नसीहत देगा, बात तो ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं भी देखता हूँ कि बिना मेरे ढाबे में काम किए तुम जिंदगी कैसे गुजारते हो, दोबारा मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकालता हूँ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तब चौहान, सेठ जी जरा शांत हो जाइए, ये सब मेरी ही गलती है, मैं दोबारा आपके ढाबे के पास कभी नहीं आऊंगा सेठ जी, कृपा करके उसे नौकरी से ना निकालें सेठ जी। कहकर काफी गिड़गिड़ाया, लेकिन परमेश ने दोनों को वहां से भगा दिया। घर में ये सब बातें सुनकर अमर की माँ बहुत दुखी हुई। तब अमर, बाबूजी, परमेश ने नौकरी से मुझे इसलिए नहीं निकाला कि आप आज ढाबे में आए, असली कारण ये है कि वो चाहता था कि मैं मिलावट वाले तेल और सामान इस्तेमाल करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसी बात का गुस्सा है उसे। तब माँ, बेटा अमर, तुम्हारे पिताजी का भी धंधा ठीक से नहीं चल रहा, अब तो गांव में बड़े बड़े स्टील सामान के दुकान खुल गए हैं, इसलिए कोई ठेले में बेचने वाले स्टील के सामान खरीदता ही नहीं, अब ऐसे में तुम्हारी नौकरी भी चली गई, तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा, तुम कहीं और रसोई के काम क्यों नहीं ढूंढ लेते बेटा? तब अमर, नहीं माँ, नौकरी चाहे कहीं भी करो, उनकी खुशामदी करते रहना पड़ता है माँ, अपना ढाबा खोलने में ही फायदा है माँ, लेकिन लागत के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं इसके बारे में सोचता हूँ माँ। ऐसा कहा, यूं रात भर वो सोचता रहा। तब उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सवेरे, बाबूजी, माँ, ढाबा खोलने के लिए पैसे तो है नहीं अपने पास, तो क्यों ना हम अपने स्टील सामान वाले ठेले को ढाबे में बदल दें? तब माँ,
लेकिन बेटे तुम ठेले को ढाबे में कैसे बदलोगे, जरा मुझे विस्तार में समझाओ। तब अमर, माँ हम चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी बनाकर उसे स्टील के कढ़ाई, स्टील के डब्बे, स्टील के घड़े और स्टील के बर्तनों में रख देते हैं और फिर ठेले में चक्कर लगाते हुए उन्हें बेचेंगे। तब ढाबा खोलने की क्या जरूरत है माँ, और खरीदने वाले को बिरयानी के साथ साथ वो बर्तन भी मुफ्त में मिल जाएगा। इस तरह पिताजी का भी धंधा चल पड़ेगा माँ। ये एक नया तरीका है, इसलिए अपना धंधा खूब चलेगा माँ। इस तरह उसने घर में बिरयानी पकाया और उन्हें स्टील के घड़े, स्टील के बर्तनों और स्टील के डब्बों में रखकर उन्हें ढक दिया। फिर उन्हें ठेले पर रखा और बाप बेटे मिलकर गलियों में जाकर उसे बेचने लगे। अमर, आओ भाई आओ, डब्बे वाले चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी का मजा लो। डब्बे में सिंगल बिरयानी, घड़ों में फैमिली बिरयानी ले सकते हो। बिरयानी के साथ साथ बिरयानी वाला बर्तन एकदम मुफ्त। यहाँ खाओ या घर ले जाओ, आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगा। ये नया तरीका लगा तो लोग आकर डब्बा बिरयानी खरीद कर ले जाने लगे। कुछ लोग खरीद कर वहीं खाने लगे। तो कुछ लोग फैमिली पैक बिरयानी घड़ों में लेकर घर ले जाने लगे। इस तरह उसका डब्बा बिरयानी बहुत मशहूर हो गया। ये देखकर कि अमर का धंधा खूब चल पड़ा है, परमेश ने सिर पकड़ लिया।